So, student, another topic is applying font formatting. So, what is the use of font formatting? It is used to make a document attractive and effective by using font formatting tools. हम लोग font formatting tools का इस्तेमाल करते हैं अपने document को attractive बनाने के लिए और effective बनाने के लिए. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे अपने टेबल में कैसे अपने कंटेंट को, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना, इफेक्टिव बनाना है विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट फॉर्मेटिंग. ठीक है, तो कैसे हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे अपने टेबल में, अपने टेक्स्ट को, अपने सेल को, अपने कंटेंट में. ठीक है, तो वी यूज फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स. तो पहले हम अपने टेबल में जो कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, जो कंटेंट लिखा रहेगा उसको हमको क्या करना है, उसे फॉन्ट के फॉन्ट को सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा. फॉन्ट को सेलेक्ट करने के लिए फिर हम लोग उसका साइज सेलेक्ट करेंगे. मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, अब इसको हम फॉन्ट ग्रुप में जा करके सेलेक्ट करेंगे टाइम्स न्यू रोमन. ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे. ये एक आपका फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट ऑप्शन है. यहां पे जैसे ही टाइम्स न्यू रोमन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहां फॉन्ट चेंज हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा. आप देखेंगे यहां पे फॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया. ठीक है, जैसे ही आप यहां पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे फॉन्ट स्टाइल का, तो वहां पे आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा और आप जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखाएगा और ये थोड़ा आपको अलग ही स्टाइल और इफेक्ट में दिखेगा. ठीक है, दिस इज द फॉन्ट. ओके, तो हम लोग फॉन्ट ग्रुप में जाकर के फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जाकर के हमारा कोई भी डिजाइन हमारा फॉन्ट का वो अप्लाई हो जाएगा हर एक टेक्स्ट पे. ठीक है, आप एक टेक्स्ट पे या सभी टेक्स्ट पे एक ही फॉन्ट को रखना चाहते हैं, एक ही स्टाइल को रखना चाहते हैं, आप वहां फॉन्ट ग्रुप में जाकर के कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पूरे टेक्स्ट में वो अप्लाई हो जाएगा. द नेक्स्ट इज आप उसका साइज को डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, तो आप वहां पे जस्ट फॉन्ट के बगल में फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे. आप जो भी साइज को सेलेक्ट करना चाहेंगे आप उस साइज को यहाँ पे क्या करेंगे, बाय सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी होगा या इस ये तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है. जैसे मैंने यहाँ पे 20 साइज सेलेक्ट किया तो ये मेरा 20 साइज का मेरा टेक्स्ट है, तो अब इसे डिक्रीज करेंगे तो ये मेरा छोटा हो जाएगा. तो मैंने इसको सेलेक्ट किया 12, तो ये मेरा साइज फॉन्ट का छोटा हो गया. तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया साइज 12 तो हमारा फॉन्ट का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया. सो आप यहाँ बाय ऑप्शन फॉन्ट साइज में जाकर के फॉन्ट जितने भी साइज को आपको सेलेक्ट करना है, जो भी साइज सेलेक्ट करना है, आप इस ऑप्शन में जाकर के सेलेक्ट कर करके आप अपने साइज टेक्स्ट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई फॉन्ट कलर ऑन आवर टेक्स्ट, यानी फॉन्ट पे हमारे टेक्स्ट पे हमारे फॉन्ट और हमारा टेक्स्ट, यानी उस पे हम कैसे कलर को अप्लाई करेंगे, कैसे कलर को फिल करेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे थे, दिस वन, ये ऑप्शन देख रहे हैं. ठीक है, फिल कलर, फिल कलर सबसे पहले आपका फिल कलर आता है कि कैसे हम किसी टेबल या सेल कंटेन में कलर को फिल करेंगे. ठीक है, तो पहले आप यहाँ ऑप्शन जाएंगे फिल कलर पे. ठीक है, आप जो भी सेल, मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल में हमको कलर को फिल करना है या पूरे टेबल में फिल करना है, तो आप इस ऑप्शन पे जा करके कोई एक कलर को चूज करना होगा. क्या करना होगा, कलर को चूज करना होगा, तो जा करके आपका ये इस सेल में या पर्टिकुलर टेबल में वो कलर फिल हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर कहने का मतलब, अगर ये हमने फॉन्ट चूज किया या हमारा ये टेक्स्ट स्टाइल है, तो हम क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को या फॉन्ट को कलर देना है, कलर प्रोवाइड करवाना है, तो आप यहाँ बाय ऑप्शन फॉन्ट कलर पे जा करके आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी फॉन्ट कलर आपको चूज करना है,
वो चूज कीजिएगा, तो आपके सारे टेक्स्ट, सारे सेल के टेक्स्ट या फॉन्ट आपको उस कलर में शो हो जाएंगे, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग यू फॉन्ट कलर. ओके, व्हेन यू सेलेक्ट अ फॉन्ट कलर, यू अप्लाई ऑल द फॉन्ट कलर इन योर सेल कंटेन. जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे उस कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज द ऑप्शन फॉन्ट कलर. नेक्स्ट है आपका बोल्ड इटैलिक. नेक्स्ट है आपका बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन. बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कहने का मतलब, पहला ऑप्शन है आपका बोल्ड, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका बोल्ड. आप किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमें इसे थोड़ा डार्क वे में दिखाना है, ठीक है, हमें इसे थोड़ा डार्क वे में दिखाना है. तो आप बोल्ड ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही बोल्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये डार्क मोड में खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपका ये शो हो जाएगा. सो दिस इज द बोल्ड ऑप्शन. आप जैसे ही बोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो जो टेक्स्ट होगा सेल कंटेन का, वो एक बोल्ड तरीके से, एक डार्क तरीके से आपके सेल कंटेन में शो करेगा, ठीक है, दैट इज द ऑप्शन ऑफ बोल्ड. नेक्स्ट है आपका इटैलिक. इटैलिक कहने का मतलब आप अपने टेक्स्ट को एक अलग ही डिजाइन, एक अलग ही स्टाइल देना चाहते हैं. जैसे अब देखिए, इसी टेक्स्ट को हमने एक अलग वे में लिखा, ठीक है, तो ये एक अलग इटैलिक मतलब एक स्लैंटिंग वे में आपका वो डिजाइन आपके टेक्स्ट पे आपके प्रोवाइड होते हैं, ठीक है. आप इटैलिक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके वो टेक्स्ट पे एक अलग ही इफेक्ट, अलग ही डिजाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन. अंडरलाइन ऑप्शन आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा लिखा अपने सेल कंटेन में, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अपने इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ऑप्शन देना, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे दिस ऑप्शन अंडरलाइन ऑप्शन, यू सी योर अंडरलाइन ऑप्शन इज इन अंडर द टेक्स्ट. जैसे ही आप अंडरलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज द एंड ऑफ द अप्लाइंग फॉन्ट फॉर्मेटिंग. ये आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग के इतने टूल्स हैं जो आपको अभी तक मैंने बताया. द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.